हाय, जैसे कि आपको पता है कि आपका बाइक और कार में पेट्रोल और डीजल फ्यूल डलाया जाता है, ऐसे ही क्या आपको पता है कि एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो चलिए आज का वीडियो में जानते हैं। तो अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि एरोप्लेन में केरोसिन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, और अब आपका मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि केरोसिन, जो तेल एक टाइम में राशन दुकान में मिलता था और जिसका इस्तेमाल स्टोव जलाने के लिए और लैंप जलाने के लिए यूज होता था, हाँ वो ही केरोसिन फ्यूल। बट जो एरोप्लेन में केरोसिन फ्यूल यूज किया जाता है, उसमें से वाटर कंटेंट और इम्प्यूरिटीज बिल्कुल हटाया दिया जाता है, और इसमें विशेष प्रकार का केमिकल्स और एडिटिव्स मिक्स किया जाता है, और इस फ्यूल जेट फ्यूल का नाम पे कहा जाता है। तो आप चलिए देखते हैं ये जेट फ्यूल में ऐसा क्या स्पेशल है जो धरती से 35,000 फीट में उड़ने वाला फ्लाइट में यूज किया जाता है। तो जैसे कि आपको बताएं, ये जेट फ्यूल से वाटर कंटेंट को बिल्कुल ही हटाया दिया जाता है, क्योंकि जब धरती से 35,000 फीट में ये फ्लाइट उड़ता है तब बाहर का टेम्परेचर -32 -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और इस एनवायरमेंट में ये जेट फ्यूल में थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट रहेगा तो वाटर जम के बर्फ हो जाएगा, और जो इंजन का पाइपलाइन है वो पाइपलाइन को ब्लॉक करके टैंक से इंजन तक फ्यूल आना बंद कर देगा, और इसी कारण से बहुत प्लेन एक्सीडेंट भी होते हैं। जैसे कि एक प्लेन दुर्घटना हुआ था 17 जनवरी 2008 में, जब ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38 जो फ्लाइट चाइना से लंदन जाने वाले थे, उस फ्लाइट का जेट फ्यूल में वाटर कंटेंट होने का चलते वो वाटर जम के बर्फ हो जाता है और उसका दोनों इंजन बंद होके एक बड़ा हादसा होता है। और अब आपका मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि उस लो टेम्परेचर में तो फ्यूल भी जम के बर्फ हो सकता है, और इसीलिए केरोसिन का साथ एक एंटी फ्रीजिंग एडिटिव्स यानी कि केमिकल्स मिला के जो फ्रीजिंग टेम्परेचर -42 -47 डिग्री तक किया जाता है, ताकि जब एरोप्लेन धरती से 35,000 फीट और उस लो टेम्परेचर में भी उड़े तो उसका जो जेट फ्यूल वो जम के बर्फ ना हो जाए। और इसका अलावा भी जेट फ्यूल में और विशेष प्रकार का केमिकल्स मिलाया जाता है, जैसे कि एंटी करोसिव, एंटी फोमिंग, ताकि जब धरती से 35,000 फीट और 700-800 किलोमीटर पर आवर पे जब एरोप्लेन उड़े तो उस टाइम में ये जेट फ्यूल उसका इंजन को कुछ प्रॉब्लम ना करे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल डाला जाता है और किस लिए डाला जाता है। और अब आप जब पेट्रोल पंप में आपका बाइक और कार के लिए फ्यूल डलाने के लिए जाते हैं तो उस टाइम में देखे होंगे कितना टाइप ऑफ फ्यूल वहां पे रहते हैं, जैसे कि XP95, XP100, एक्स्ट्रा ग्रीन, स्पीड, पावर। तो आपका गाड़ी के लिए कौन सा फ्यूल सही है वो हम बताएंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।